आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बीते दिनों पूर्व 12 जनवरी 2022 को पूर्णिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सभी को चौंका देने वाला खबर थी। पूर्णिया महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने उर्दू डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर मुजाहिद हुसैन सर को इंटरनल परीक्षा के प्रैक्टिकल के लिए इंटरनल एग्जाम ऑफ साइकोलॉजी अपॉइंट कर दिया गया था, जो यह फैसला छात्र हित में गलत था और निंदनीय कदम था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने इसके लिए पूर्णिया जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। जारी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 के आंतरिक परीक्षक द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें। पत्र में छात्र जदयू के पत्रांक जिक्र करते हुए परीक्षा नियंत्रक ने डीएओ को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। छात्र जदयू पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र नेता ने कहा कि बीएसईबी का निर्णय स्वागत योग्य है। पूर्णिया कॉलेज के विवादास्पद निर्णय पर जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सख्त हो गई है, वहीं पर पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रशासन को अविलंब प्रधानाचार्य महोदय पर सख्त निर्णय लेना चाहिए। क्या मामला है? और जी, हमने 6 मई को हमने बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर आईएएस को हमने आवेदन लिख करके डाक पोस्ट के माध्यम से हमने स्पीड पोस्ट किया था। अब तक हमें आज 2 दिन पहले मुझे डाक के माध्यम से मुझे उस पर जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई करने का जो आश्वासन मिला है, तो मुझे वो आवेदन प्राप्त हुआ। लेकिन हम चाहते हैं जो डीओ साहब पर जो आवेदन लिखा गया बिहार विद्यालय समिति के एग्ज़ाम कंट्रोल के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि उस पर उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे जो भी इस तरह का काम करते हैं उस हरकत पे अंकुश लगेगा। ये लेटर क्या चीज़ के लिए भेजे थे आप? क्या था मुद्दा? था कि जो पूर्णिया कॉलेज में जो इंटर वार्षिक जो इंटरनल परीक्षा हुई थी, उसमें उर्दू के शिक्षक को साइकोलॉजी का वार्षिक इंटरनल एग्जाम का एग्जामिनर बनाया गया था, जो कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। ये आप देखेंगे बीच में सारे सोशल मीडिया पे भी और मीडिया में भी यह बयान आया था कि उर्दू के शिक्षक जो है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इंटर का इंटरनल एग्जामिनर बनाया गया था, जो कि वह बिल्कुल उचित नहीं है। उसी को लेकर हमने आनंद किशोर महोदय को हमने आवेदन करके अवगत कराया था। यह बहुत ही गलत निर्णय हुआ पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। हम चाहते हैं इस पर पूर्णिया कॉलेज प्रिंसिपल का बहुत बड़ा हाथ है यह सब का काम करने में। हम चाहते हैं इस लेटर पर संज्ञान लेकर के इस पर उचित कार्रवाई करें। ये कौन सब्जेक्ट जाँच कर रहे थे? ये साइकोलॉजी का। ये उर्दू के शिक्षक थे। क्या नाम उर्दू के टीचर का? नाम डॉक्टर मुजाहिद आलम सर। तो अभी लेटर में क्या आया? लेटर में इसमें यही आया कि जो भी डीओ साहब के नाम पे लेटर आया है कि जो इस पर जो इंटरनल एग्जामिनर जो बनाया गया था, इस पर जो है इसको जांच कर इस पर उचित कार्रवाई करने का हमें लेटर प्राप्त हुआ, और डीओ साहब को भी लेटर आया होगा। तो हम चाहते हैं इस पर उचित कार्रवाई हो, इस पर निपापोती ना किया जाए। अगर निपापोती होती है तो हम लोग उसके खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पूर्णिया कॉलेज का मामला है ना? जी, पूर्णिया कॉलेज का मामला है। पूर्णिया कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा यह हरकत किया गया। क्या नाम है प्रिंसिपल का? मोहम्मद कमाल। नाम आपका? राजू कुमार मंडल, छात्र जिला अध्यक्ष जदयू पूर्णिया। क्या लेटर में क्या आदेश आया और क्या लग रहा है? जैसा कि आपको राजू भैया के द्वारा सूचना मिली कि पूर्व के दिनों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो बोर्ड अध्यक्ष हैं आईएएस आनंद किशोर सर को एक चिट्ठी डाक के माध्यम से भेजा गया था, जिसपे कि उचितम वो शीघ्र ही कार्रवाई करने का गंभीरतापूर्वक मामला को लिए और कार्रवाई का आदेश दिए हैं डीओ साहब का। और हम चाहते हैं कि शीघ्र इस पर मामला का संज्ञान लें डीओ साहब और उचितम कार्रवाई हो। जो भी इस पदाधिकारी में इसमें चिन्हित कर, जो भी ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा इस तरह का हरकत किया गया है, उन्हें चिन्हित कर उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो। क्या नाम है? अंकित झा, छात्र जदयू पूर्णिया। जदयू की तरफ से हुआ था सर? जी, छात्र जदयू पूर्णिया के द्वारा जो है इस तरह का काम किया गया। हम लोग लगातार छात्र के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते आए हैं और करते रहे। सीमांचल का